दोस्तों आप भी अपना फ़ोटो ऐसे ही एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें अपने मॉडल को ऐड कर देना है। ऐड फोटो पे जाएंगे और अपने मॉडल को सिलेक्ट कर मैं इस फोटो को थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को कम करेंगे और इरेजर के ऑप्शन पे जाकर ओपेसिटी को थोड़ा कम करके हार्डनेस को भी कम करके शूज पर अप्लाई करेंगे। थोड़ा बॉडी पे भी करेंगे अप्लाई। उसके बाद हम इसमें PNG को ऐड करेंगे। ऐड फोटो पे जाएंगे और ये वाली PNG को ऐड कर लेते हैं। इसमें ये हमने अच्छे से एडजस्ट करनी है। इसकी हम एक और डुप्लीकेट लेंगे और उसको इस साइड एडजस्ट करेंगे। एक और लेयर को ऐड करते हैं फिश वाली। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को कम करते हैं। ये भी सेट। उसके बाद हम एक एनजी को ऐड करते हैं। इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे और स्क्रीन रख देंगे। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को कम करेंगे ताकि रियल लगे। इतना हमारा डन। इसके बाद हम फोटो को सेव कर लेते हैं और चलते हैं लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम को ओपन करते हैं और अपने फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी एक्सपोजर को कम करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हाईलाइट को थोड़ा सा प्लस में करते हैं, शेडो को भी थोड़ा सा कम करते हैं। उसके बाद हमें चलना है कलर वाले ऑप्शन में। टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करना है, टिंट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, उसके बाद हमने नीले कलर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। डन। उसके बाद हमने टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, क्लैरिटी को बढ़ा देना है, विगनेट को थोड़ा कम कर देना है। बिफोर एंड आफ्टर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।